हेलो डियर स्टूडेंट, एस बी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का कक्षा 12वीं का राजनीति शास्त्र महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं दोस्तों। 12वीं सीजी ओपन का राजनीति, ठीक है। ये है जो है सेकेंड पार्ट वीडियो, इसके पहले फर्स्ट पार्ट जारी हो चुका है, उसको जरूर देखना है आप लोगों को। तो ये ओपन एग्जाम का है, ठीक है। सीजी ओपन छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर 2024 के लिए, अप्रैल के लिए। आज्ञा पत्र रीट क्या है, इसके जारी करने के अधिकार किसे हैं? तो मौलिक अधिकार को प्रभावी बनाने, उसके कार्यान्वयन व सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधानों की आवश्यकता होती है। यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहलाता है। कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर सकता है, तथा न्यायपालिका अपनी रिट अथवा आज्ञा पत्र रिट जारी कर सकता है। तो पहला है बंदी प्रतीक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण अधिकार, परीक्षा। इसे जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को प्राप्त है। इसका अथवा है केंद्र और राज्य के विधायी संबंधों को समझाइए, तथा केंद्र तथा राज्य के विधायी संबंध है। पहला, केंद्र राज्य संबंध। भारतीय संविधान एक संघात्मक ढांचे का निर्माण करता है, और केंद्र और राज्य दोनों का निर्माण संविधान द्वारा होता है, और दोनों अपनी शक्तियाँ इस संविधान से प्राप्त करते हैं। कुछ आलोचकों का यह गंभीर आरोप है कि भारत एक संघ है तो, किंतु इसके पूरक एकात्मक लक्षण भी मौजूद है। दूसरा है विधायी संबंध। हमारे संविधान में विधायी संबंधों को लेकर अधिकारों का त्रिस्तरीय विभाजन किया गया है। विधायी अधिकारों से संबंधित दो सूचियां हैं, पहली केंद्र सूची और दूसरा राज्य सूची। आपको संपूर्ण वीडियो को ध्यान से देखना है मित्रों, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको प्रश्नोत्तर 100% श्योर याद हो जाएगा। इसमें दोनों पार्ट वीडियो को आप लोग को पूरा पूरा देखने लेना है। साथ ही साथ पिछले साल का जो मॉडल प्रश्न पेपर था सेट ए बी सी 2023 की बात कर रहा हूँ मैं, पिछले साल जो एग्जाम हुआ था उसका भी वीडियो डाला हुआ है, तो उस तीनों सेट को भी देखना है। ये तीनों सेट और ये वाला सेट को देखोगे तो आपका पूरा पूरा 100% तैयारी हो जाएगा। इसके बाद है भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम लिखते हुए संविधान की प्रस्तावना लिखिए। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। संविधान की प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समान समता प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। अथवा है संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष का नाम लिखते हुए तीन मौलिक अधिक कर्तव्य लिखिए। तो संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा भाग 4 में धारा 51 के अंतर्गत 10 कर्तव्यों की सूची जारी की गई थी। तो पहला है संविधान का पालन करें तथा राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। दूसरा है ऐसे आदर्शों का अनुसरण करें जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन को प्रोत्साहन मिले। तीसरा है भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करें। चौथा है आवश्यकता पड़ने पर देश की सेवा और रक्षा करें। सभी व्यक्ति से संभ्रातित्व और समरसता की भावना रखे। छठवा है अपने गौरवशाली परंपरा और समरस संस्कृति को बनाए रखे। प्रश्न 22 है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, परंतु प्रधानमंत्री चुनने के लिए है ना लोकसभा चुनाव जब होता है, हम सामान्य भाषा में बात करें, सामान्य भाषा में लोकसभा चुनाव के दोनों सदनों के द्वारा जिसके ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य जो है विजयी होते हैं लोकसभा चुनाव में, है ना, तब वहाँ पर मतों की गिनती के आधार पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। यानी कि एक दल को स्पष्ट बहुमत मिल जाने के पश्चात उसके जो मुखिया है उसका चुनाव किया जाता है। तो राज्यसभा किसी सदस्य को प्रधानमंत्री बनाया जाए, प्रधानमंत्री के परामर्श से मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मंत्रियों के चयन करते समय प्रधानमंत्री यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न क्षेत्रों, धार्मिक और जातिगत गठबंधन की सरकार में। इसके बाद है प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, कार्य तथा भूमिका की व्याख्या कीजिए, यानी कि प्रधानमंत्री के क्या क्या कार्य होते हैं उसको लिखेंगे। तो उनके कार्य है
पहला प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है, प्रधानमंत्री के विभागों का बंटवारा और परिवर्तन करता है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के समस्त कार्यवाही से राष्ट्रपति को अवगत कराता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति सभी महत्वपूर्ण निर्णय को लेता है। ठीक है, इसके बाद है स्थानीय स्वशासन से लोगों में किन किन गुणों का विकास होता है। तो स्थानीय स्वशासन से पहला है राजनीतिक चेतना का विकास, दूसरा है कुशल नेतृत्व का विकास, महिलाओं की सत्ता में भागीदारी, प्रशासन में जन सहभागिता की भावना होता है, सहयोग की भावना है, व्यापक दृष्टिकोण का विकास है। हमारे दैनिक जीवन में जनहित याचिकाओं के महत्व की व्याख्या करें। हमारे दैनिक जीवन में याचिका के बहुत सारे महत्व हैं। ठीक है, बहुत सारे मामले का सीधा संबंध न्यायालय में कोई जनहित का मामला ला सकते हैं। जनहित याचिका अब इसलिए महत्वपूर्ण बन गई क्योंकि इसमें समाज के निर्धन तथा कमजोर वर्गों को सुगमता से न्याय मिलने लगा है। पत्रकार, वकील तथा समाज सेवकों, यहाँ तक कि समाचार पत्रों की रिपोर्ट के आधार पर भी सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक जगह जनहित याचिकाएँ स्वीकार की है। ठीक है, तो स्क्रीन शॉट कर लीजिए दोस्तों इसको, और अच्छे से एक्सप्लेन करना सीखना है। आंसर लिखते समय ध्यान रखें कि सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। यदि आपको एक ही बार में पास होना है तो सारे क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करना। यदि उत्तर याद नहीं है तो उससे रिलेटेड जरूर लिख कराना है, उससे संबंधित बातों को लिखेंगे तो आप पास हो जाएंगे। प्रश्न 23 है, भारत की राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के चार उद्देश्य लिखिए। तो पहला, सुरक्षित, स्वस्थ, उत्पादक और सौंदर्य बोध को संतुष्ट करने वाले पर्यावरण का संरक्षण एवं विकास करना। दूसरा है, ग्रामीण और शहरी बस्ती के जीवन स्तर में श्रेष्ठता लाना। तीसरा है, विकास को परिस्थिति के सिद्धांत पर एकत्रित करना। पर्यावरण सुरक्षा की तकनीकों को प्रोत्साहित करना, संसाधनों का पुनर्चक्रण करना तथा कूड़े का उपयोग करना। एक आदर्श नागरिक के नाते पर्यावरण प्रदूषण को किस प्रकार रोक सकते हैं, कोई चार। तो सरकार द्वारा स्वच्छता के लिए जो नियम बनाए गए उसका पालन करना है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कारखानों की चिमनी का प्रयोग करें। जल प्रदूषण रोकने के लिए तालाब, नदी, कुएं, जल में कूड़ा करकट न फेंके। मृदा प्रदूषण रोकने के लिए वृक्ष लगाए। संप्रदायवाद क्या है, इसकी चार विशेषता लिखना है। तो संप्रदायवाद का अर्थ लिखिए, भारत विविध धर्मों का देश है जिसमें यहाँ प्रायः हिंसा होती है और धर्म लोगों का द्वेष पैदा होता है। इन्हें सांप्रदायिक भावना को ठेस पहुँचाना कहते हैं। अलग अलग धर्म के लोग जब एक दूसरे पर जो है दोषारोपण करते हैं, एक दूसरे के देवी देवताओं के बारे में गलत सलत प्रचार करते हैं, है ना, और ऊंच नीच का, जाति पाति का भेद करते हैं, यही जो है संप्रदायवाद है। यह अंधविश्वास पर आधारित होता है। यह विशुद्ध रूप से दृष्टिकोण पर निर्भर है। यहाँ असहिष्णुता पर आधारित होता है। तो भारत सरकार द्वारा अच्छे शासन के लिए अपनाए गए साधनों का वर्णन कीजिए। स्वच्छ शासन में भ्रष्टाचार को रोकने के कोई चार उपाय। तो लोगों को सहभागिता सुनिश्चित करने, अच्छे शासन के लिए लोगों को जागरूक बनाने के लिए बहुत से कार्य किए जा सकते हैं। स्क्रीन शॉट करके नोट करते चले जाइए दोस्तों। कंप्यूटर व सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका। स्वच्छ शासन साधन में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के प्रयोग को अच्छे शासन के प्रभावशाली साधन के रूप में देखा जाना चाहिए। प्रश्न 24 है, राज्य और सरकार में 5 अंतर लिखिए। तो राज्य एक स्वाभाविक संघ है जबकि सरकार मनुष्यकृत संघ है। राज्य अमूर्त है, हम इसे देख नहीं सकते। सरकार मूर्त है, हम इसे देख सकते हैं। राज्य एक स्थायी संघ है जबकि सरकार अस्थायी संघ है। चौथा है, राज्य की सदस्य संख्या व्यापक होती है, सरकार की सदस्य संख्या सीमित होती है। न्याय शब्द की व्याख्या कीजिए तथा इसके विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालिए। तो न्याय शब्द का अंग्रेजी अनुवाद है जस्टिस। जस्टिस यह लैटिन भाषा के जस से बना हुआ है जिसका अर्थ है बांधना या जोड़ना। इस प्रकार न्याय व्यवस्था को स्वाभाविक संबंध है। हम कह सकते हैं कि न्याय उस व्यवस्था का नाम है जो व्यक्ति, समुदाय, समूह को एक सूत्र में बांधती है। ठीक है, तो नैतिक न्याय है, कानूनी न्याय है, राजनीतिक न्याय है, इसके पॉइंट है, ऐसे ही समझाना है आपको। इसके बाद है, मार्क्सवाद के प्रमुख सिद्धांतों की आलोचनात्मक कीजिए। अब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा दोस्तों क्योंकि वीडियो की लंबाई बढ़ जाएगी। अब प्रश्नों को नोट करते चले जाइए और स्क्रीन शॉट करते जाइए। यदि आपके पास गाइड बुक नहीं है तो इस वीडियो से आप लोग जो है 2-3 बार रट्टा मारने के लिए 2-3 बार जरूर देखना है और इसको पढ़ाई कर लेना है। अथवा है, टिप्पणी लिखिए, उपनिवेशवाद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक, उपनिवेशवाद 1947 में स्वतंत्र होने से पहले भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था।
इसके बाद है वैश्वीकरण क्या है, इसके बुरे प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो वैश्वीकरण का अभिप्राय एक ऐसी प्रक्रिया जिसका उद्देश्य संस्कार को एक बाजार बनाने का है। वैश्वीकरण के अच्छे प्रभाव, यानी वैश्वीकरण के माध्यम से हम एक दूसरे देश से जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहाँ की सामग्री यहाँ खरीद सकते हैं, यही वैश्वीकरण है। उपभोक्ता या लोगों के पास बहुत से विकल्प मिलता है, कोई कंपनी व्यापारी मनमानी नहीं कर सकता, स्थानीय उपयोग के अच्छे मूल्य मिलते हैं। वैश्वीकरण के बुरे प्रभाव, प्रश्न क्रमांक 26 और 27 छः नंबर के सवाल है, निर्वाचन आयोग के कोई 6 कार्य बताइए। तो भारतीय निर्वाचन आयोग के 6 कार्य है, पहला चुनाव क्षेत्र का परिसीमन करना, ठीक है, दूसरा है चुनाव क्षेत्र का चिन्हांकन करना, तीसरा है मतदान सूची तैयार करना, चौथा है राजनीतिक दलों को मान्यता देना, ठीक है, चुनाव चिन्ह आवंटित करना, एक संक्रमणी मत प्रणाली क्या है, किन विधियों द्वारा कराई जाती है, अथवा भारतीय चुनाव प्रणाली के कोई 6 दोषों का वर्णन कीजिए। तो खर्चीली प्रणाली, दूसरा है प्रतिनिधित्व की दोषपूर्ण प्रणाली, नोट करते चले जाइए दोस्तों। लोकसभा द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो चुनाव अधिसूचना जारी करना, नामांकन पत्र भरवाना, सुरक्षा जमानत राशि देना, जांच और नियम वापस रिटर्निंग करना, चुनाव प्रचार करना, आदर्श आचार संहिता लागू करना। प्रश्न 27 से मानव अधिकार 6 की 6 मूलभूत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। स्क्रीनशॉट करते चले जाइए दोस्तों। इसके बाद है अथवा शीत युद्ध के पश्चात भारतीय सोवियत संघ के संबंधों का विश्लेषण कीजिए। इसके बाद है भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांत का व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार सारे प्रश्नोत्तर जो है आपके कंप्लीट हो जाते हैं। मित्रों ध्यान से सभी वीडियो को डबल ट्रिपल देखिए, और मैं जैसे कि बताया पास होना है तो आपको जो पिछले साल का मॉडल क्वेश्चन पेपर मेरे वीडियो में चैनल में अपलोड है, तीनों सेट उसको भी जरूर पढ़ना है।